डीडी एकेडमी के फास्टेस्ट फास्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। देखिए ये 6 अंक वाली एक संख्या है 5Z3X4Y और बोला गया है कि ये संख्या जो है 7, 11 और 13 से भाग जाएगी, विभाज्य है। तो फिर बोलता है कि X+Y-Z क्या होगा। और देखिए जैसे मैंने देखा 7, 11, 13 और थोड़ा सा ध्यान दिया तो मुझे पता चल गया कि यहाँ Z के जगह पे 4 होगा, यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पर 3 होगा, कागज कलम नहीं। और बिलीव कीजिए आप भी यही करने वाले हैं जैसे इस चीज को समझ जाएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, आज का क्लास बहुत मजेदार होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो शुरू करने के पहले देखिए 7, 11 और 13 का याद रखिएगा। 7, 11, 13 का जब अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम होगा 1001। 7 को 11 से गुणा करेंगे फिर 13 से गुणा करेंगे तो 1001। 1001 जो है ये जब भी एलसीएम निकलता है तो इसका मतलब है कि इसके साथ कोई भी संख्या को गुणा कीजिएगा तो वो जो है संख्या रिपीट होगी। इसे क्या कहते हैं, अगर 1001 से किसी भी संख्या को गुणा करेंगे तो वो रिपीटिंग सीरीज होगी। मतलब क्या हुआ, ये जो है देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 अगर रिपीट होना होगा तो क्या है 5Z3 के बाद ये फिर X4Y रिपीट होगा। मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो बीच में कौन संख्या, ये यही संख्या अगर यहां रिपीट हो रही है 5Z3 अगर रिपीट हो रही है X4Y से तो Y के जगह पर क्या बैठेगा, अरे भैया 4 बैठेगा। तो देखो संख्या क्या हो गई 5, 4, 3 फिर ये रिपीट होगा तो फिर 5, 4, 3 मतलब X के जगह पे 5 होगा, Y के जगह पर 3 होगा। और बोला X+Y 5+3 8, Z को घटाने के लिए बोला है 8 से 4 घटाया तो 4। तो आप समझ लिए कि अगर 6 अंक वाली संख्या दे और अगर 7, 11, 13 से बोलता है कि भाग जाता है तो आपको पकड़ लेना है कि इसका एलसीएम 1001 होगा, क्या गुणा करेंगे तो 1001 होगा। तो जो संख्या दी गई होगी वो रिपीटिंग सीरीज में होगी, रिपीट होगी। तो 6 संख्या है तो मतलब 3 संख्या के बाद फिर तीनों अंक जो है वो रिपीट होगी। तो यहां से पता चल गया कि Z के जगह पे 5 होगा 5, 4, 3 फिर रिपीट होगा 5, 4, 3। अब मुझे बोला है कि X+Y-Z तो X 5 है, Y 3 है, 5, 3, 8, Z 4 है, 8 से 4 गया तो 4। आशा करता हूं कि एकदम तरीके से समझ गए हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए डीडी क्लासेस और करें अपने बेसिक मैथ कोर्सेस का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। देखिए ऐप लिंक जो है, दादा ने जो बोला, इस ऐप का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए संख्या दिया है 8, 2, 3, P2Q 7, 11 और 13 से विभाज्य है। देखिए यही संख्या है 7, 11, 13। मतलब क्या हुआ, आप बिना कागज कलम उठाए समझ सकते हैं कि इसका जो आपका होगा क्या होगा, 7, 11, 13 का एलसीएम क्या होगा, 1001 होगा। मतलब देखो 823 है तो यहां भी 823 होना होगा, मतलब P 8 है और आपका जो है 3 जो है Q है, यही होगा ना 823। अब देखिए P-Q 8 से 3 घटाया तो आंसर क्या होगा, 5 होगा। आप समझ गए, यही आंसर देखिए 5 हुआ है। तो कितना वक्त लगता है, कुछ भी नहीं लगता है, कोई कागज कलम की जरूरत नहीं होती है, बहुत आराम से होता है। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। अब देखिए बोलता है 5 अंकों वाली है संख्या 6, 8, 8, XY है। संख्या क्या है 6, 8, 8, XY, ये 3, 7, 11 से विभाज्य है। जी हाँ 7, 11, 13 नहीं, यह 3, 7, 11। तो सीधी बात है पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम सब देखिए अभाज्य संख्या है तो 3, 7 और 11 को गुणा करेंगे तो क्या होगा 231। अब ध्यान दीजिएगा किस ट्रिक से हम इसको कर रहे हैं,
इसे भाग देते हैं 6888XY, यही संख्या है ना। इस संख्या से भाग देंगे तो बोला ये कट जाएगा, लेकिन यह x और y का क्या मान होगा यही निकालना है हमें। तो देखो यहां 688 है, यहां 231 है। अब देखो 23 को अगर 3 से गुणा करते हैं तो 69 हो जाता है, लेकिन यहां पर क्या है 68 है, तो 3 बार नहीं जाएगा, 2 बार जाएगा। 2 बार जाएगा तो 2 एक कम 2, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, मतलब 462 हुए। तो हमने 2 से दिया 462 लिया, घटाया 8 में से 2 गया 4, 8 में से 6 गया 2, 6 में से 4 गया 226। अब देखिए 231 है। अब हम x उतारते हैं, ठीक है, हमने इस x को उतार दिया। अब देखिए ये x के मान क्या होगा समझने के लिए, देखिए ये पूरा कट जाएगा, ये बोला है 3, 7, 11 से विभाज्य होगा। अगर कोई संख्या 3, 7 और 11 से विभाज्य है तो मतलब उसके एलसीएम से पूरा पूरा भाग जाएगा। और हमें देखो यहां पर देखो 231 है, ये 10 से गुणा करेंगे 2310 होगा, यहां 226x है, तो 10 से तो नहीं जाएगा, 9 से जरूर जाएगा। क्यों, देखो 3, 9, 27 का 7 हाथ में रहा 2, 9 दूनी 18 और 10 20, यहां पे जो है 20 आता है, यहां 22 आता है, तो 9 से तो जरूर जाएगा। हमने 9 से गुना कर दिया, 9 एक कम 9, 3 9 27 का 7 हाथ में रहा 2, 9 दूनी 18 और 2 20, हमें ये जाएगा पूरा, हमें पता है। तो हमने यहां पर 9 डाल दिया और यहां नीचे कर दिया। अब हमें हम घटा रहे हैं, तो देखो पहले हमने क्या किया, हमने पकड़ लिया कि यहां पर कोई संख्या है, ठीक है ना, तो नेचुरली ये 9 से कम ही होगा, तो 9 से कम कोई भी संख्या है, मुझे पता नहीं कौन सी संख्या है, लेकिन उससे अगर इसको माइनस करने जाएंगे तो यहां 6 से 1 देना होगा, तो यहां 5 होगा, 5 होगा, तो यहां से 1 लिया 15, 15 से 7 घटाया 8, तो यहां हुआ 1, तो ये 1800 हो गया। और हमें पता है कि 18 अगर होगा, पूरा कटना होगा, तो देखो अब 8 है कम 8, 3 अटा 24 का 4 हाथ में रहा 2, 8 दूनी 16 और 2 18, तो हमें 8 का जैसे देते हैं तो पूरा कटेगा, तो यही संख्या नीचे आना चाहिए। तो 8 है कम 8, 3 अटे 24, तो हमें पता चल गया यहां 4 होगा, और 8 है कम 8 मतलब यहां 8 होगा, क्योंकि ये 1848 होगा तभी ये पूरा संख्या कटेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे 8 होगा, 231 गुने 298 वही संख्या होगा। तो लेकिन हमें वो गुणा करने की जरूरत ही नहीं होती है, हमें यहां से x का मान निकल चुका है। यहां पर क्या होगा, 3 होगा, तभी तो 13 से 9 घटाएंगे तो 4 होगा, तो x बराबर हमने 3 लिख दिया, तो चलो हमें x की मान तो मिल गई, ये x की मान हमें मिल गया है। अब देखिए ये x का मान हमें मिल गया है, और यहां पर कटने के लिए 1848 होने के लिए ये 8 होना होगा, तो मतलब हमें y का मान भी मिल गया, देखो 8। तो अब हमें पूछता क्या है, 5x, तो 5x मतलब x तो 3 है, 3 पचे 15, 3y का मान 8 है, तो 3 अठे 24, तो कहने का मतलब है 5 तिया 15, 3 अठे 24 जोड़ दिया, इसी का मान पूछा है ना, तो 39 हो गया। इस तरह इसका 39 आंसर हो गया। ये मैंने दूसरों से थोड़ा अलग से किया हुआ है, और ये बहुत ही छोटे में हुआ है, इसे याद रखेंगे तो इस तरीके से जरूर कोशिश करेंगे, तो फिर देखेंगे कि इस तरह के सवाल को बड़ी जल्दी बहुत ही फटाफट आप कर लेते हैं। तो आशा करता हूं कि आप सारे चीजों को सही समझ चुके होंगे, लेकिन एक बात जरूर बोलूंगा मैं कि वीडियो देखने से आप गणित नहीं सीख सकते, इस सच्चाई को कोई नहीं कहता है, मैं कहता हूं। अब आपने वीडियो देखा, अब खुद आप सब पहले इन वीडियो के जो सवाल है खुद से आप प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप ये आपके अंदर जाएगा। बहुत सारे लड़के दिन भर वीडियो देखते रहते हैं, कभी पेन उठा के खुद उन सवालों को करने की जरूरत नहीं करते हैं। आपकी किसी तरह की अगर असुविधा है, आप मेरे क्लास में ज्वाइन करना चाहते हैं, सही गणित करने की विधि को जानना चाहते हैं, तो जरूर
मुझे व्हाट्सएप करेंगे 8292453585। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और कल फिर मैं एक वीडियो लेके हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए विदा दें। ओके देन, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।